कहाँ क्राइम बढ़ा है, अब बढ़ा भी है तो उसका उद्भेदन हो रहा है कितना जल्दी से देख नहीं रहे हैं। इनके राज में क्या होता था 2005 से पहले, क्या स्थिति था, किसी चीज का उद्भेदन होता था क्या? नमस्कार, आप न्यूज़ फाउंडेशन देख रहे हैं, मैं हूँ आपके साथ वंदना। हमारे साथ बात करने के लिए हैं बिहार सरकार में मंत्री। क्या लग रहा है क्रीमी लेयर को लेकर के काफी विरोध हो रहा है सर, आप क्या? देखिए, हमारे सम्माननीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री ने साफ शब्दों में कह दिया है कि जो संविधान के तहत जो मामला है उसके साथ भारतीय जनता पार्टी खड़ी है, उसमें किसी भी तरह का कोई बदलाव नहीं होगी और भारतीय जनता पार्टी उसमें खड़ा। आप लोग खुश हैं? क्या खुश हैं? कोर्ट के फैसले को आप लोग सम्मान कर रहे हैं, खुश हैं आप लोग? नहीं नहीं, कोर्ट के मामले को नहीं, हम प्रधानमंत्री जी ने जो फैसला लिया है हम लोग उसके साथ। एक और सवाल है, तेजस्वी यादव ने कहा है कि बिहार में क्राइम इन दिनों बढ़ा है और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बेचारे हो गए हैं। कहाँ क्राइम बढ़ा है, अब बढ़ा भी है तो उसका उद्भेदन हो रहा है कितना जल्दी से देख नहीं रहे हैं। इनके राज में क्या होता था 2005 से पहले, क्या स्थिति था, किसी चीज़ का उद्भेदन होता था क्या? अपहरण लूट हत्या हो रहा है, इसका मैनेज उनके घर से होता था, यह पूरा बिहार जानती है। जितना मांझी आपकी के सहयोगी दल हैं उन्होंने विरोध किया है, देखिए अपना अपना विचार है। हम लोग भाई भारतीय जनता पार्टी NDA में नरेंद्र भाई मोदी का जो विचार है, जो आदेश है, हम लोग उसको मानते हैं। एक सवाल है कि आपके विभाग में अब क्या कुछ आप जो है नए तरीके से जो है लेकर आने वाले हैं, और क्या आपने अभी तक के जो है कार्यों को देखा और ये किया? देखिए, पहले से काफ़ी प्रगति हुआ है पंचायती राज विभाग में। मैं लगातार जब से मंत्री बना हूँ समीक्षा कर रहा हूँ। नौकरी देने की बात कही जा रही, नौकरी भी हाँ, नौकरी भी हम लोगों ने ऐलान किया है। नौकरी का प्रक्रिया प्रक्रियाधीन है, वो तो नियम है, गलत नहीं हो इसके वो देखते हुए हम लोग 15,000 हाँ 15,000 से ऊपर हम लोग बहाल करने जा रहे हैं, जल्द ही आने वाली है। जी जी, बिहार के युवाओं को लग रहा है कि एकदम रोजगार भी मिलेगा, नौकरी भी मिलेगी। काफी आक्रोश देखने को मिला है, लोग सड़कों पर उतरे हुए थे। भारत बंद का कोई औचित्य जब नजर नहीं आता, जब अपने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने कह दिया कि संविधान के साथ मैं खड़ा हूँ, हम कोर्ट का कोई भी फैसला मानने को तैयार नहीं है, भारतीय जनता पार्टी ने कैबिनेट में डिसीजन ले लिया, तो फिर तो बंद का कोई औचित्य ही नजर नहीं आता। आप लोगों को सदस्यता अभियान को लेकर कई सारी बातों को बताया गया, 1.5 करोड़ सदस्य बनाए जाएंगे। एकदम बेशक, पिछले बार ही 1 करोड़ बना था और इस बार हम लोगों का टारगेट है 1 करोड़ से ज्यादा, लगभग 1.5 करोड़, और पूरा पूरी जो टारगेट है पूरा हो। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। तो आपने सुना कि क्या कुछ कहना था बिहार सरकार में पंचायती राज मंत्री का, इस करो बस इतना ही, बने रहे न्यूज़ फाउंडेशन के साथ, धन्यवाद।